हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे वाह भाई, अक्षय कुमार जी, अर्जुन भारती जी, पराज साहब जी जी, और माय गॉड जैकलिन जी, कृति जी, सुनो एक साथ। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, मोबाइल ढूंढ रहा हूँ यार। सेल्फी लेनी है साथ में। मैं अपना तारुफ करा देता हूँ सर। मैं सर दामोदर जेठ मलानी, इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ मैं। अच्छा, आज गिव मी वन मिनट। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ सीट हियर? ऑफ कोर्स वकील साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यू आर मोस्ट वेलकम, हैव अ सीट। ओके, थैंक यू सो मच। खुद ही वेलकम करके, खुद ही बैठ के, खुद ही थैंक यू बोल दिया। ये क्या हेडफोन लगा रखे सर पे? एक मिनट, अक्षय कुमार जी ने वेलकम की, उसके बाद खुद ही थैंक यू की, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं थी। छोटा सा काम मैंने कर दिया, आपको बड़ी आपत्ति हो रही है। बट सर, आई एम अ फैन। मैं आपको बताऊं, यू आर सो फिट सर। इस मोहल्ले में आज अगर कोई फिट है तो अक्षय कुमार जी हैं, और अगर कोई फैट है तो वो हूं मैं। और हम दोनों के बीच में अगर कोई जूझ रहा है तो वहां अर्शद वारसी। अर्शद जी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आप किस ओर जाना चाहेंगे? आप देखिए, मैं आपको ऑप्शन दोनों बता देता हूँ। आप इस तरफ अगर जाते हैं तो सुबह 4 बजे उठना है, बहुत सारी एक्सरसाइज है, और जरा बेस्वाद सा खाना है। और अगर आप इस ओर आते हैं, डबल चीज मार्गरिटा, डबल चीज मार्गरिटा पिज्जा, साथ ही में आप बर्गर, पिज्जा, क्या क्या, मतलब यू नेम इट, ब्राउनी विद आइसक्रीम, 12 घंटे सोइए, कोई नहीं पूछ रहा, सांड की तरह पड़े रहिए पूरा दिन। अलार्म बजेगी, उठा के अलार्म को फेंक दीजिए, कोई नहीं पूछ रहा है। ऐश करो यार। देखिए, और ये मोटापे के ऊपर मत जाइए आप। दिस इज जस्ट माई आउटर लेयर। अच्छा, मैंने कल एक्सरे कराया था, अंदर से आई एम अ स्केलेटन। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, मर्जी है आपकी, क्योंकि जीवन है आपका और शो है हमारे बाप का। यू डिसाइड। वैसे मैं आपको सच बताऊं अर्शद जी, आई एम अ फैन। मैंने जॉली LLB, जो पहली वाली जॉली LLB मैंने आपकी, आप उसमें वकील थे, वहीं से तो मैं इंस्पायर हुआ और आप वकील बन गए। नहीं नहीं नहीं, वहां से इंस्पायर होके मैंने फुटपाथ पे सोना शुरू किया। And it is so comfortable. It's very nice. मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5-star होटल्स एंड ऑल, ये चोचले हैं, कुछ नहीं रखा है। ये सुबह सुबह एक तो ये लोग जगा के पैसे मांग लेते हैं, फिर अगर चुपचाप चेकआउट करने की कोशिश करो तो बैग खोल लेते हैं। ये क्या बात है? अगर मैं आपके पर्दे और चद्दर नहीं ले जा सकता तो काहे के पैसे यार। आप ये बताओ, वकील कैसे बने आप? फिर वकील में कैसे बना? वकील तो मैं अक्षय कुमार जी की हाउसफुल देख के बना। उसमें वकील कहाँ थे? नहीं नहीं, जब मैं हाउसफुल देखने गया था तो बाहर टिकटों के लिए लड़ाई हो रही थी। अच्छा, तो लड़ाई देख के वकील बने? नहीं नहीं, हाँ। लड़ाई देख के तो मैं अंदर गया, मैंने फिल्म देखी, बहुत ही प्यारी फिल्म थी, आई लाफ्ड अ लॉट, वेरी नाइस। तो आप वकील कैसे बने? वकील वो तो फाइनली जब मैं घर गया, मेरे घर पे मेरा रिजल्ट आया हुआ था कि आप पास हो गए, बन गए आप वकील। तो सीधा सीधा नहीं बता सकते थे आप? सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच जागा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है, हैं? तो गया वहां पे मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ हाथ फल को खा नहीं सकते हैं, तो खाया मेरे मुंह ने। और मुंह फल को रख नहीं सकता है, तो रखा मेरे पेट ने। वाह, क्या बात है। और ये सब होते हुए देखा माली ने, माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे कांड से कोई लेना देना नहीं। डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को। इसे सर्कल। जीवन में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल ए सर्कल।
इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। लोखंड वाला सर्कल, टू सर्कल, किंग सर्कल, सर्कल। ऐसा वैसा वकील हूँ नहीं मैं, मैं बहुत ही काबिले तारीफ वकील हूँ। लोग मेरी बहुत तारीफें करते हैं क्योंकि मेरा जब केस होता है ना, मैं उस केस को दूसरी डेट पे जाने ही नहीं देता। पहली में ही क्लाइंट को अंदर करा देते हैं, इसीलिए तो तारीफ करते हैं। ये जल्दी काम खत्म हो रहा है। भाभी जी जो है जज साहब की वाइफ, वो तो मुझसे बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा? मैं कोर्ट में एंटर करता हूँ, 5 मिनट में केस खत्म, जज साहब फ्री। जज साहब को खुद जब मेरा केस होता है 10 और काम अपने हाथ में ले लेते हैं कि आज मोटे का केस है, जल्दी फ्री हो जाऊंगा। मैं खुशियां बांट रहा हूँ। वकील साहब करने के आए आप इधर? मैं यहाँ पे होली का माहौल है, होली मनाने आया हूँ बस। सूंड तो लाए नहीं आप, रंग कैसे फेंकोगे? एनीवे इनको अवॉइड करते हुए, जैकलीन जी, जी कृति जी, मेरे जहन में आप लोगों के लिए एक शेर आया है, इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। मुंह से अर्ज करना, लेकिन आप इधर उधर से कर देते हो अर्ज, फिर हमें भागना पड़ता है। ठीक है, मुंह से अर्ज कर रहा हूँ। तो अर्ज किया है, इशार। फूलों में फूल गुलाब, फूलों में फूल गुलाब, फलों में फल आड़ू, फूलों में फूल गुलाब, फलों में फल आड़ू, दो ब्यूटी सामने बैठी है, समझ में नहीं आ रहा पहले किसे ताड़ू। वाह, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको पहले जमीन पे गाड़ूं कि आपका पजामा फाड़ूं। शर्म नहीं आती आपको? पजामा फाड़ो तो लगा देना झाड़ू, आपने माहौल को कर दिया है बहुत ही बिगाड़ू। क्या देखिए, बात के ऊपर एक और बात मैंने शेर बना दिया। कोई भी बात आती है ना, मैं पकड़ के शेर बना देता हूँ। ये सब छोड़िए, जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो। आड़ी तिरछी गाड़ी चलाने से यू ना ट्रैफिक जाम करो, जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम। What a talent! What a talent! I look forward to your act. Thank you. You're a very good dancer. Thank you, thank you, thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you. Super. पाजी कुछ अफवाहें हैं आप सबके बारे में। अक्षय पाजी, आप उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो अफवाह ये है कि लोग जिम कॉर्बेट जाने से पहले आपसे पूछते हैं कि टाइगर किस साइड दिखेगा। अफवाहें आती हैं। फिलहाल तो YRF में ही दिखेगा। अक्षय पाजी, एक अफवाह ये है कि मुंबई से फ्लाइट लेते वक्त आप हमेशा विंडो सीट लेते हैं ताकि ऊपर से देख सके कि कौन सी जमीन खरीदनी है। कृति, आपके बारे में एक अफवाह है। आपके बारे में, चलिए बताइए। आपके बारे में ये है कि आप हीरोपंती के 8 साल बाद आप टाइगर के साथ फिल्म कर रही हैं गणपत। अफवाह ये है कि आप उनकी दाढ़ी पूरी उगने का वेट कर रही थी। नहीं, वो वेट कर रहा था शायद अपनी दाढ़ी उगने का। जैकलीन, आपके बारे में अफवाह है कि आपकी कोई फेक आईडी नहीं बना पाता क्योंकि उनसे आपके नाम के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। अर्शद भाई, आपके बारे में अफवाह है कि मारिया मैम से मिलने से पहले आपको पता नहीं था कि पर्दे भी धुलते हैं। हैं? अच्छा। सच है? कैसे? अफवाह नहीं है। सीरियसली? सच है। तो मैं ना अकेला रहता था घर में और पर्दे लटकते थे, कपड़े वपड़े धुलते, मुझे क्या पता कि पर्दे भी निकाल के धोने पड़े। पर्दे लटके थे, लटके ही थे। तो मरिया घर पे देखी उसने पर्दे, तो उसने ऐसा देखी, उसने हाथ लगाया तो धूल उल निकली और ऐसा टूट गए थे पर्दे, इतने कड़क। तो मैं इतने कड़क हो गए पर्दे टूट जाते थे। तो उसने बोले, डू यू हैव अ चेंज योर कर्टन्स? तो ऐसे पर्दे कौन बदलता है? ऐसा है। अर्शद भाई, ये अफवाह है कि फिट रहने के लिए जो खेल कूद जरूरी होता है, तो अफवाह ये कि इसलिए आप रोज सुबह उठ के लूडो खेलते हैं। सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी। चेस खेलते हो? चेस। जैकलीन, आपके बारे में अफवाह है कि जब आप बहरीन में रहती थी तो लोग आपको रेडियो बहरीन के नाम से बुलाते थे। जी। देखो असली निकले, कैसे क्या हुआ था? रेडियो बहरीन, ये बातें सुनो। वाई वाई वाई? रेडियो बहरीन क्योंकि बचपन में मैं ज्यादा बात करती थी, तो जैसे एक रेडियो है। व्हाट हैज हैपेंड नाउ? मैं कम बात करती हूँ। क्यों?
यू नोटिस कि अब इस आंसर को सुनने के लिए ये यहाँ पर आकर बैठ गया आराम से कि तुम बोलती रहो मैं तुम्हें सुनता रहूं सुनता रह आगे चल। उसके बाद बिचारी के पास जवाब भी नहीं है फिर भी बैठा है और बैठ गया। अभी बड़ी जेठानी नहीं होती जो ताने मारती वो है ये मेरी। क्या बात है, बच्चन पांडे की पूरी टीम आई हुई है। हेलो अक्षय भाजी। हेलो जी। हेलो अर्षद सर। ऑडियंस 5 मिनट का ब्रेक है, आप लोग भी खाना पीना है तो अभी ब्रेक अभी तू कर ले जो करना है आजा कर ले तू। ब्रेक मेरे को 5 मिनट का नहीं 2.5 घंटे का चाहिए, वो भी बॉलीवुड में। कृति सैनन, जैकलिन, ओ अर्चना जी, आपको पता जब भी मैं इतनी ब्यूटी देखता हूँ मेरे गूस गम्स आ जाते हैं। अबे गूस गूस गम नहीं, गूस बम्स होते हैं। जब आते यहाँ पे तो बम क्या सवाल हो गया। आपको पता है अर्षद भाई जी, नॉर्मल बच्चा जब स्कूल छोड़ता है उसको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मिलता है ना, इसको 1 लाख कैश दिया, कहते बताना नहीं तुमने कि हमारे स्कूल में पढ़े। तुम मुझे ये बताओ तुमने कौन सी फ्रेंडशिप निभाई है। पाजी ये अकेला उड़ीसा में फिल्म करके आ गया पूरी। हाँ। मुझे एक बार भी नहीं कहा चंदू आदि तुम कर लो। मैं जूस पी रहा हूँ कि आधा ग्लास पी के तुझे दे दूँ। इधर बैठ। तेरे को पता सोनी साहब के जो मालिक है उन्होंने तेरे लिए मैसेज भेजा है। क्या है, टीवी शो है कि वेब सीरीज है? नहीं, बोलते कि जितने भी लोग सोनी टीवी देखते ना, अकेले अकेले के घर जाके तूने लोगों पे कपड़ा मारना है, जो आता ना सोनी का लोगो वो करना है। यार शो चल रहा है प्लीज, इतने बड़े बड़े लोग अक्षय कुमार सर बैठे हुए हैं। खैर तो भाजी दोबारा मार लो, कोई बात नहीं, मैंने देखा। मफलर ले जाओ और अकेले अकेले के घर जाओ और सोनी का लोगो। फराज सर मुझे आप बताइए, इसकी किसी बात में नॉलेज नहीं यार, तुम मेरा पोर्टफोलियो दिखाओ। पाजी मेरा पोर्टफोलियो इतना जबरदस्त है, कोई भी देखेगा तो कमाल कहेगा। वो पहले के टाइम पे लोग फोटो खींचते थे, नेगेटिव धुलते थे, ये फोटो खिंचवाने गया उन्होंने पहले इसको धोया। अब ठीक लग रहा है। हाँ तो भाई हम खानदानी लोग थे, मैंने आदमी रखे हुए थे बॉडी वॉश करने के लिए। यार मेरी बात सुनो, पता क्या चक्कर है, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, होली का मौका, अभी तो कह रहे हैं इतने बड़े लोग आए, तू ऐसा मुंह लेके आ गया। फिर वही बात यार, मेरे को बात तो करने दो। सो जैकलिन जी, खबरदार जैकलिन से बात की तो। कृति जी, खबरदार कृति से बात की तो। यार ना मैंने जैकलिन से बात करनी है, ना मैंने कृति से बात करनी है, तो ये गुलाल क्या है, फराज जी की गालों पे लगाने के लिए लेकर आया हूं। कैसी बातें करते हो यार तुम, प्लीज मेरे को बात करने दो। तो तुम एक नई कोई चीज आती तो मुझे दो बादाम दो और जाओ, मैं तुझे खिला दूंगा। पहले बता इन चारों में से बादाम कौन से हैं। चंदू सीरियसली देख रहा है। अरे कोई हिंट दो भाई, हिंट दो इसको। बता, इधर वाला तो ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट है। तो बादाम क्या है, परांठे होते हैं। तुम यार मुझे केला खिला दो, मैं आजकल डाइटिंग में हूँ। डाइटिंग वो करता है जिसके पास डाइट होती है। कई बार लोग सैंडविच नहीं बनवाते कि भाई ये मत डालना, वो मत डालना, और ये भी रहने दो, ये पीछे खड़ा था, कहता जो जो ये मना कर रहे हैं वो मेरे को दे दो। यहाँ पे क्या करने आया तू? करने गया हूँ यार, होली का मौका। पाजी मैं अपने पार्टनर के साथ होली के लिए। कौन है तेरी पार्टनर? बच्चन पांडे की पूरी टीम को भूरी की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह वाह, आज तू यहाँ क्या कर, इतना अच्छा पिचकारी जैसा मुंह, रंग भर के जा लोगों पे डाल। होली की शुभकामनाएं देने आई हूँ। हो गई शुभकामनाएं, चलो। यार कपूर शर्मा, कम से कम मेरे सामने तो उसको ऐसे मत बोलो। तू पहले निकल फिर चल। चलो। तुम उसको कह दो यार मैं मुंह इधर कर लेता हूँ। पक्का तुम मुंह उधर ही कर लो, इधर वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा। ओ, मेरी बात सुनो, एक मिनट मुझे हंसने दे। मेरी बात सुनो, उसकी मैं सुन लूंगा, वो फिल्म करके आया, तुम झाड़ू पाछो करके आई हो फिर भी इतना एटीट्यूड को दिखा रही हो। तुम कौन सा मीटिंग अटेंड करके आए हो, गाड़ी धो के आए हो ना तुम। देख लो फिर
हमारे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, आओ मेड फॉर ईच अदर हो जाएं। अरे ये सब सर प्लीज आप इसे इग्नोर कीजिए, एज यूजुअल आपको तो पता ही है, मैं जानता हूं, जानता। वैसे सर मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, व्हाट अ ट्रेलर, मतलब क्या डायलॉग्स है, क्या कॉमेडी है, और इधर देख लो डायलॉग ही डायलॉग, कॉमेडी कोई है नहीं। देखो पूरी मेरी बात सुनो, ग्राउंड लेवल पे हम दोनों सेम ही हैं। आओ मेरी बात सुनो, मेरे साथ शादी कर लो और मेरे घर की बहू बन जाओ। घर की बहू वो बनाता है जिसके पास घर होता है, होता है। तो मुझे अरे एक सेकंड, तो मुझे फुटपाथ की बहू बनाओगे? मतलब जैकलिन जी को देखिए, मतलब इनकी किस्मत देखिए, इनके पीछे है इंडस्ट्री का खिलाड़ी, मेरे पीछे है कबाड़ी। अक्षय सर खिलाड़ियों का खिलाड़ी, कबाड़ियों का कबाड़ी। वाह, क्या और इनकी दोनों की शादी हो जाए, मिस्टर एंड मिसेस कबाड़ी। पूरी देख लो मेरी बात सुनो, जोड़ी बन गई है, इतना टैलेंटेड लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये सही बात बोल रहा है, आपको पता है इंडस्ट्री में ऐसे किसी के पैर नहीं जो इसने छुए नहीं। मेरी बात सुनो, जितना ध्यान तुम मुझ पे देते ना, अपने शो पे दिया था ना, शो डेढ़ घंटे के बजाय 3 घंटे आना था, और शो तो 1 घंटे का है, जे तू 15 मिनट जो आता ना, मुझे सोनी को एक्स्ट्रा शूट करके देना पड़ता है। ये सब जब बातें टीवी पे आती तुझे बुरा लगता? एक सेकंड, बुरा तब लगेगा ना जब उसके पास टीवी होगा। हाँ जी आपको पता है बाजी, एक दिन इनको ना प्रोजेक्टर गिफ्ट किया किसी ने, तब से इनके दादा नंगे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि धोती टांग के तो सारा परिवार फिल्म देख रहा है। चलो क्या बातें कर रहे हो, तुम चुप रहो प्रीति मैम, यू कैन जस्ट इग्नोर हिम लाइक एवरीवन एल्स डज। वैसे मैंने देखा आप एक विलन पे मूवी बना रहे हैं फिल्म में, मुझे भी बनानी है एक विलन पे, डॉक्यूमेंट्री टाइप। इनके दादाजी पे बनाओ, बहुत बड़े विलन थे वो, सब्जी काटने वाला चाकू लेके ना ज्वेलरी की दुकान लूटने चले गए, उन्होंने कहते हफ्ता निकालो, उन्होंने 1 हफ्ते तक बाहर नहीं आने दिया फिर। चल एक मिनट रुको, मुझे हंसने दो। हाँ गिर जाओ। और मेरी बात सुनो पूरी, बातें छोड़ो, आओ मेरे साथ होली मनाओ, मेरे गाल कब से तरस रहे हैं तुमसे गुलाल लगाने के लिए, मेरा चांटा तरस रहा है तुम्हारे गालों के लिए, अब मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। बुरी मेरी बात सुनो, बुरा क्यों मानती हो, मेरे दादाजी ने सिखाया है कि बुरा ना मानो होली है। तेरे दादाजी तो हर चीज पे बोलते हैं बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो थोड़ी सी चोरी की है, बुरा ना मानो ये मेरा पोता है। तुम लोगों की दिहाड़ी हो गई ना, चलो अभी निकलो। ऐसे कैसे निकलो, एक मिनट मेरी बात सुनो बुरी, विल यू खेलोगी विद मी होली? नहीं विल यू। क्यों, मैं क्या है मुझमें? अरे खूबी क्या है बताओ, खूबी पूछने का टाइम तुम्हारा गया है। हाँ अब जैसा लड़का मिलता है हाँ करो बस। हाँ। देखो चंदू तुम ना मेरे सपने देखना बंद करो, सबसे मैं गरीब हूँ बेवकूफ नहीं, जो सपने भी तुम्हारे देखूंगा। तुम्हें पता है 10 मिनट से ज्यादा तुम देखी नहीं जाती, मैंने तो शादी वाले दिन भी तुम्हारी मांग भर के मुंह इधर कर लेना है। पर इधर का इधर मनाली निकल जाना, मैंने तुम मनाली छोड़ो अस्पताल जाओ, अपना इलाज करवाओ, तुम त्योहार के दिन भी मूड खराब कर देते हो। पूरी पूरी और मेरी बात सुनो, गुस्सा कर जा रहे हो, और रुक और मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।